योगी भी और नरेंद्र मोदी भी दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहने के लिए तो अपने आगे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन क्या है बाहर के दिखात हाथ वो दांत हत्थी वाले और अंधे के अंदर की जो बात है वो सब करप्शन से भरी हुई है। अगर मोदी जी चाहते तो उनका इस देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर जैसे वो उठे थे एक उभरते हुए मतलब व्यक्तित्व के लिए, आज वो जो है खत्म होता जा रहा है। मोदी जी बहुत सच बोलते हैं। देखें मेरी बात सुनिए, मैं वेशभूषा मेरी चाहे जैसी हो जी। मैंने हिंदुओं की रामायण श्रीमद् भागवत गीता शिव पुराण और एक गीता है अष्टावक्र की मुनि अष्टावक्र की मैंने उसका भी अध्ययन किया है। आप खुद एक हिंदू हैं? हाँ मैं एक हिंदू हूँ और एक बाइबल का भी मैंने अध्ययन किया, कुरान शरीफ की भी जो हिंदी में आते हैं वो भी मैंने पढ़ी। कुल मिला के सभी धर्मों का सार एक ही बताता है कि मनुष्य को मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ये सब दिखावा है, वास्तविकता सच्चाई किसी में झलकती नहीं। आज के युग में तो केवल तंत्र रह गया, जिसके पास तंत्र है वो किसी भी तरीके से सत्ता की चाबी को अपने हाथ में हासिल करना चाहता है। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं भले उनमें समझौता ना है लेकिन उन सब की सोच यह है कि किसी भी तरीके से बीजेपी सत्ता में ना आए। अगर बच्चा भी बेकार हो जाए और माँ बाप भी केयर ना करे तो ऐसे ही हालात इस टाइम हमारे देश के हैं। चुनावी माहौल में इस टाइम जो पब्लिक का रुझान है वो बीजेपी के खिलाफ है। अच्छा, पहले आपने वोट दिया था बीजेपी को? पहले प्रधानमंत्री इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट देने का कोई मन ही नहीं करता है। दिया है ये चावल गेहूँ और 3 बार रिफंड मिला है। अच्छा, ये मतलब 5 साल के अंतराल में ये दिया सरकार ने गरीब जनता को लिए।